नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे हमारा निफ्टी जो है वो मूव अप होता है, कब निफ्टी हमारा डाउन होता है, उसमें कौन से स्टॉक्स का कितना वेटेज है, मतलब किस सेक्टर का कितना वेटेज है, किस स्टॉक्स का कितना वेटेज है, कौन सा सेक्टर मूव करेगा तो हमारा निफ्टी मूव करेगा, और आगे मार्केट का सिनेरियो किस स्टॉक पर निर्भर करेगा। तो इन सारे बातों को हम डिस्कस करेंगे, मतलब निफ्टी को मूव कौन सा स्टॉक्स कराता है, आप भी जानना चाहते होंगे। तो आपके सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर देखते हैं टॉप कंस्टिट्यूएंट्स बाय वेटेज, वेटेज के अनुसार सबसे बड़ा कंस्टिट्यूएंट कौन सा है निफ्टी में। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री का जो वेटेज है वह है 12.45%। उसके बाद HDFC बैंक, इसका वेटेज कितना है 10.65%। उसके बाद हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इसका वेटेज कितना है 6.99%। उसके बाद आप देख सकते हैं इन्फोसिस 6.21%, ICICI बैंक 5.25%, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस 5%, कोटक महिंद्रा बैंक 4.59%, हिंदुस्तान यूनिलीवर 4.49%। उसके बाद देखते हैं ITC 3.92%, भारतीय एयरटेल 3.10%। तो ये सारा जो वेटेज है, जो टॉप स्टॉक्स है, इन सारे के वेटेज को हम जोड़ लेते हैं तो ये जो स्टॉक्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये 10 स्टॉक का वेटेज कितना है तो आपको हम बता दें अप्रॉक्स 60% से ज़्यादा होगा। हम एग्जैक्ट जोड़ करके आपको बताते हैं, देखिए कैलकुलेट करके। दोस्तों ये 10 स्टॉक्स का जो वेटेज है वो ऐड करने के बाद आपको आएगा 62.69, मतलब 63% के आसपास। मात्र ये 10% जो वेटेज है, मतलब ये मात्र जो 10 स्टॉक्स है इसका वेटेज है। तो निफ्टी को कौन चलाता है, तो ये हमारा रिलायंस चलाता है, HDFC बैंक चलाता है, मतलब ये 10 स्टॉक्स है जो हमारे निफ्टी को चलाता है। ये 10 स्टॉक जिस दिन मतलब मूव कर रहा हो, जिस दिन पॉजिटिव हो, आप निफ्टी को देखेंगे वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि उधर जो कंट्रीब्यूशन बचता है वो मात्र 27% बचता है। तो ये 10 स्टॉक जिस दिन मूव करेगा उसमें से अकेले HDFC बैंक और रिलायंस मूव कर जाए तो ये अकेले 22% है, समझ सकते हैं 22%। इसमें जिस दिन जोरदार तेजी हो इस दो स्टॉक में, उस दिन निफ्टी आपको ग्रीन दिखेगा। जिस दिन ये दोनों रेट काफ़ी ज़्यादा रेट हो जाए, मतलब काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो जाए, निफ्टी आपको गिरावट में दिखने लगेगा, मतलब इतना ज़्यादा वेटेज है इसका। अब हम आपको दिखाते हैं जो सेक्टर वाइज वेटेज है उसका, कौन सा सेक्टर मतलब पॉजिटिव रहेगा तो आपको निफ्टी भी पॉजिटिव दिखेगा। तो ये दोस्तों देख सकते हैं, ये है सेक्टर वाइज वेटेज। फाइनेंस सर्विस का जो वेटेज है निफ्टी में वो है 34.38%, ऑयल गैस का है 14.76। तो फाइनेंस सर्विस में जो है वो बैंकिंग भी आ गया और NBFC भी, दोनों आ गया, मतलब जितने भी फाइनेंशियल सर्विस में इन्वॉल्व है, बैंकिंग हो, NBFC हो, सारे फाइनेंशियल सर्विस में आ गया, जिसका वेटेज देखते हैं अप्रॉक्स 35% है। तो अकेले जो हमारा फाइनेंस सर्विस है वो जब चलेगा तो पूरा निफ्टी दौड़ेगा, लेकिन ये कॉन्स्टेंट नहीं रहता। अगर हमारा फाइनेंस सर्विस जो फाइनेंस सेक्टर है वो परफॉर्म नहीं करता है तो निश्चित है कि ये वेटेज धीरे धीरे चेंज हो जाता है। तो टाइम टू टाइम ये वेटेज चेंज होता रहता है। उसके बाद ऑयल गैस 40.76% इसका वेटेज है। उसके बाद IT 14.17, कंज्यूमर गुड्स 13.46, ऑटोमोबाइल 5.52, टेलीकॉम 3.53, उसके बाद फार्मा 3.03, उसके बाद कंस्ट्रक्शन 2.66, मेटल 2.58, उसके बाद नीचे चलते हैं तो देखिए सीमेंट और सीमेंट प्रोडक्ट 2.31, पावर 2.10, सर्विस 0.60, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड 0.54, मीडिया इंटरटेनमेंट 0.36। तो जो सेक्टर परफॉर्म नहीं करता है उसका वेटेज ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम कर दिया जाता है, और जो सेक्टर परफॉर्म करता है उसका वेटेज धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो फाइनेंस सेक्टर का देख सकते हैं वेटेज अभी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, पहले दूसरे सेक्टर का वेटेज इसमें ज़्यादा होता था। तो जो सेक्टर परफॉर्म नहीं करेगा उसका वेटेज धीरे धीरे कम हो जाता है, और जो सेक्टर परफॉर्म करता है उसका वेटेज धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो आज जो आप देखते होंगे कि निफ्टी और सेंसेक्स काफ़ी पॉजिटिव है, तो उसमें क्यों है, क्योंकि आज हम आपको दिखाते हैं कि जो हमारे
सबसे ज्यादा वेटेज वाले स्टॉक्स है वो काफी मूव किया है, जैसे देखते हैं रिलायंस। तो आज जो देखते हैं आप निफ्टी काफी मतलब पॉजिटिव है, देखते हैं 101 पॉइंट मतलब 1.17% मूव किया है। उसके बाद सेंसेक्स भी आप देख सकते हैं काफी मूव किया है, 429 पॉइंट मूव किया है। तो इसका कारण क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ जो मेजर कंट्रीब्यूटर है रिलायंस मेजर कंट्रीब्यूटर है 12% का वो पॉजिटिव है, देखते हैं 1.26। तो निफ्टी भी अप्रॉक्स इतना परसेंट ही मूव किया है, 21.90% मतलब 1.21% 1.26% मूव किया है। वही HDFC बैंक देख लीजिए आप, यहाँ पर आप देखते हैं HDFC बैंक भी देखते हैं 8 पॉइंट मूव किया है, 0.80 इतना परसेंट आज HDFC बैंक भी पॉजिटिव है। तो जो मेजर कंट्रीब्यूटर है HDFC बैंक रिलायंस ये सब मूव किया है, इसलिए आज आपको निफ्टी और सेंसेक्स भी पॉजिटिव दिख रहा है। उसके बाद इन्फोसिस देख सकते हैं, इन्फोसिस भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूटर है 6% का। तो ये भी देखते हैं 3.89%, अगर HDFC बैंक भी 3% मूव कर जाता तो आपको निफ्टी और ज़्यादा मूव करते हुए दिखता, वो 2% से भी ऊपर निफ्टी दिखता। लेकिन यहाँ पर जो HDFC बैंक है जो कि 10% कंट्रीब्यूटर है वो थोड़ा कम मूव किया, इसलिए आपको आज निफ्टी थोड़ा सा कम मतलब अप जाता हुआ दिखा। उसके बाद HDFC देखते हैं, HDFC बैंक के बाद हमारा आता है HDFC का नंबर कंट्रीब्यूशन में, ये भी काफ़ी ज़्यादा मूव किया है 3% का मूवमेंट। तो इसलिए आपको यह सारे स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी को चलाते हैं। आप तो ये बात भूल जाइए कि जो निफ्टी में 50 स्टॉक्स है वो निफ्टी को चलाते हैं, नहीं, जो टॉप 10 स्टॉक्स है वो निफ्टी को चलाते हैं। देखते हैं जो टॉप 10 स्टॉक्स हमने आपको दिखाया, ये टॉप 10 स्टॉक्स निफ्टी को मूव कराते हैं, निफ्टी को डाउन ले जाते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि हमारा निफ्टी कैसे अप मूव करता है, कैसे फिर डाउन मूव करता है। तो मेजर कंट्रीब्यूटर निफ्टी को चलाने वाला, निफ्टी को गिराने वाला कौन सा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।